असलम सेकेंड ईयर क्लास वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों का ये फ़र्स्ट लेक्चर है और इसमें जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर और इसमें टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में देखेंगे थोड़ा बहुत मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे भी दिया था इफेल्थ uh, स्टेटमेंट का उसी को थोड़ा सा हम देखेंगे बुक uh, के पेज uh, के हिसाब से कि किस पेज के ऊपर कौन सा क्वेश्चन है और आप लोगों ने जो जहाँ से प्रिपेयर करना है सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है अस, आप लोग बुक ओपन कर लेंगे साथ पेज टू नाइन्टी टू पर है ठीक है डेफिनेशन वगैरह जहाँ से आप लोगों ने निशान लगाने सिलेक्शन स्ट्रक्चर सेलेक्ट्स द स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन किसी कंडीशन के बेस के ऊपर सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है जैसे इफ़ एल्स में हम लोगों ने देखा था और इफ़ uh, अगर सिंपल उसी को देख लें तो इफ की अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी ठीक है सिंपल इफ़ की मैं बात कर रही हूँ इसी में आप लोगों की एग्जाम्पल दी हुई है और टाइप्स कौन कौन सी हैं टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर ईफेल्स स्ट्रक्चर और स्विच स्ट्रक्चर ठीक है एल्स क्या होता है और स्विच क्या होता है एल्स में तब यूज़ होता है जब हम लोगों ने कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है ठीक है या इफ़ की बेस पे अगर हम कोई स्टेटमेंट स्किप करना चाह रहे हैं और एल्स की स्टेटमेंट्स को करना चाह रहे हैं एग्जीक्यूट ठीक है या प्रोग्राम कुछ चेक करेगा तो टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर में पहली कौन सी है इफ़ एल्स स्ट्रक्चर और दूसरा कौन सा है स्विच स्टेटमेंट स्विच स्विच जो है स्ट्रक्चर इसके अंदर ये तब यूज़ होता है जब बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं जैसे uh, आगे जाके हम लोग देखेंगे प्रोग्राम्स वॉवल्स और कॉन्सटेंट्स वाला उसमें चूँकि वॉवल्स अब देखें कितने सारे वॉवल्स हैं तो उसकी बेस पर जो है ऑप्शनज़ अब ज़्यादा हैं एल्स इतने ज़्यादा जो हैं उनको लिखने की बजाय बेहतर ये है कि हम स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लें ठीक है तो ये आगे जा के देखेंगे कि इसका इस्तेमाल क्या है इसका क्या फॉर्मेट है क्या सेंटेक्स है बेसिकली इस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी दो चीज़ें कवर हुई हैं पहले तो स्ट्रक्चर सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में उसकी क्या डेफिनेशन है उसकी एग्जांपल दी हुई है और उसके बाद टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर टाइप्स में कौन कौन सी दो टाइप्स हैं इफ़ स्ट्रक्चर और स्विच स्ट्रक्चर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक है क्वेश्चन आप देखें व्हाट इज़ इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ स्टेटमेंट विद वन अल्टरनेटिव एक्सप्लेन दर्किंग ठीक है इफ़ स्टेटमेंट में अगर कह रहे हैं कि सिर्फ इफ़ एल पोर्शन की बात की जा रही है एल्स वाले पोर्शन की बात नहीं हो रही इफ़ स्टेटमेंट क्या है उसके बारे में एक्सप्ल करें तो इफ़ जो है ये की वर्ड भी है और इसके बाद हम रिलेशनल एक्सप्रेशन देते हैं एक्सप्रेशन अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत जहन में हो तो एक्सप्रेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स ठीक है कंडीशंस भी इसमें आ गई तो If is a keyword in C language. If statement is a decision making statement. It is the simplest form of a selection structure. ठीक okay. है? और it is used to execute or skip a statement or set of statements by checking a condition. उसमें उसके बाद इसका सिंटेक्स देख लें. सिंटेक्स जो है, तो सिंटेक्स of if statement is as follows. क्या है पहले कंडीशन है, if का लफ्स लिखेंगे फिर कंडीशन है और फिर स्टेटमेंट है इसके प्रोग्राम्स जो मैंने आप लोगों को करवाए थे दोबारा से आज एक प्रोग्राम भी है इसके एग्जाम्पल में तो उसमें भी देख लेंगे दोबारा से सन्टेक्स हम इफ का लफ्ज़ लिखते हैं उसके बाद कंडीशन होती है और फिर क्या है स्टेटमेंट्स अगर हम लोगों ने जो पहले प्रोग्राम के अंदर देखा था हम लोग एक ही स्टेटमेंट के ऊपर देख रहे थे कि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं यानी अगर आप एक से ज़्यादा काम करवा रहे हो इफ, करवा रहे हैं इफ के अंदर तो हम जो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स इस्तेमाल कर लेंगे लेकिन आ, जो है एक से ज़्यादा लाइनें भी हम लिख सकते हैं यानी इफ के अंदर ही इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो पहले हम अगर एक चीज़ एग्जीक्यूट करवा रहे हैं एक काम करवा रहे हैं तो हम एक से ज़्यादा काम भी करवा सकते हैं लेकिन आ, जो है उसको फिर किस चीज़ में इंक्लोज करना पड़ रहा है हमें ब्रैकेट्स के अंदर ठीक है ब्रैकेट्स जो है ये ब्रैकेट्स हैं ठीक है थेके? और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका फ्लो चार्ट है फ़्लो चार्ट में कंडीशन अगर ट्रू होगी ठीक है ये कंडीशन के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है डायमंड सिंबल कंडीशन जहाँ जिसके अंदर इनक्लोज किया हुआ है ये सिंबल uh, जो है ठीक है और उसके बाद अगर ट्रू होगी तो कोई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी ठीक है और अगर फॉल्स है नीचे की तरफ तो क्या होगा कि फॉल्स के बाद कुछ और स्टेटमेंट्स जो है इफ़ में तो ज़्यादा कोई स्टेटमेंट नहीं है अगर ट्रू होगी तो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी फॉल्स होगा तो कुछ भी नहीं करेगा ठीक है तो ये इसका फ्लो चार्ट है सिंपल सा ट्रू की कंडीशन में क्या करना है ठीक है और फॉल्स की कंडीशन में क्या करना है और कंडीशन को किस तरह के सिंबल के अंदर इन्जर्ट करना है स्टेटमेंट्स को किस तरह के सिंबल के अंदर इन्जर्ट करना है ये बेसिकली हम लोग जो हैं फ्लो चार्ट किस लिए बनाते हैं अगर आप लोग अपनी सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स को ही डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो डायग्राम के लिए मखसूस सिम्बल्स होते हैं कंडीशन के लिए आप लोगों को कौन सा सिंबल मैंने बताया यहाँ पर देखें इस डायग्राम के अंदर कंडीशन जो है उसको डायमंड के अंदर ये डायमंड शेप कहलाती है ठीक है इसके अंदर इनकलोज़ किया गया है ठीक है और ट्रू की सूरत में कुछ काम होगा फॉल्स की सूरत में कोई और जो है चीज़ एग्जीक्यूट हो सकती है ठीक है उसके बाद है आप लोगों का एक प्रोग्राम मैंने आप लोगों को होम असाइनमेंट भी दी थी एलेवन पॉइंट थ्री एलेवन पॉइंट वन करेंगे एलेवन पॉइंट टू प्रोग्राम भी आप लोग करेंगे ये सिंपल प्रोग्राम्स हैं किए भी हुए हैं क्लास में ठीक है अलेवन पॉइंट थ्री जो है मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को क्या है स्टेटमेंट क्या है सबसे पहले स्टेटमेंट देख लें राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स थ्री नंबर्स एंड डिस्प्लेस मैक्सिमम नंबर ठीक है क्या है जी राइट अ प्रोग्राम पहले देखें इनपुट कितने नंबर करवाने हैं थ्री नंबर्स करवाने हैं और डिस्प्ले क्या करवाना है मैक्सिमम नंबर जो उनमें से सबसे बड़ा है ठीक तो इंटीजर कौन से ले लिए हम लोगों ने कौन कौन से वेरिएबल्स लिए हैं ए बी सी तीन वेरिएबल्स लिए हैं ठीक किस चीज़ के लिए लिए हैं तीन वैल्यूज़ के लिए और फिर मैक्सिमम के लिए हमने क्या ले लिया मैक्सिमम नंबर सबसे पहले प्रिंट एफ में क्या मैसेज दिया है एंटर फर्स्ट नंबर और उसको स्कैन करवा लिया है ठीक है इसी तरह से एंटर सेकेंड नंबर उसको स्कैन करवा लिया और एंटर थर्ड नंबर और उसको स्कैन करवा लिया ठीक है उसके बाद मैक्सिमम को फ़र्स्ट वैल्यू किसी एक नंबर से तो स्टार्ट करना है तो हम लोगों ने क्या किया है कि फ़र्स्ट वैल्यू जो है वो रखवा लिया है ठीक है फॉर एग्जांपल हमारे नंबर्स हैं अगर वन टू और थ्री तो हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं को वन से ठीक है इसको क्या दे दिया फर्स्ट वैल्यू क्या दे दी मैक्स और इसको किसके अंदर रखवा दिया हम लोगों ने मैक्सिमम के अंदर फर्स्ट वाले नंबर को यानी ए अगर हमने वन रखा हुआ है तो उसको <laughs> क्या दे दिया है फर्स्ट वैल्यू ठीक है उसके बाद जो है इसको चेक किया गया है इफ़ अब दूसरे नंबर को चेक करेंगे कि बी इज़ इक्वल्स टू ग्रेटर देन मैक्स अगर बी जो है वो उस नंबर से बड़ा है तो अब मैक्स को क्या मिल जाना चाहिए बी ठीक है इसी तरह से अगर सी जो है वो ग्रेटर है मैक्सिमम से तो अब सी के पास क्या होना चाहिए यानी देखिए सबसे पहले ए से स्टार्ट किया उसने और चेक किया सबसे पहले वन दे दिया उसको उसके बाद उसने टू को चेक किया ये तो बड़ा था मैक्सिमम से ठीक है जो पहला नंबर दिया हुआ था तो अब मैक्सिमम में क्या आना चाहिए ये वाला नंबर ठीक है फिर नेक्स्ट नंबर को चेक किया तो उसमें थ्री था थ्री उससे भी बड़ा है तो अब उसके पास क्या आ जाना चाहिए मैक्सिमम के पास ये वाला नंबर तो अल्टीमेटली जहाँ पे भी मैक्सिमम नंबर पड़ा होगा इन कंडीशन की वजह से वो मैक्सिमम के पास आ जाएगा मैक्सिमम वाले वेरिएबल के पास एंड में हम उस वेरिएबल को प्रिंट करवा देंगे ठीक है तो ये जो है आज आप लोगों के टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं कौन कौन से थे एक तो हम लोगों ने देखा कि जो दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं इसको सबसे पहले क्या था सिलेक्शन स्ट्रक्चर ठीक है और उसकी टाइप्स उसके बाद सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में हमने उन्होंने देखा कि बुक में आप लोगों के कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है सिलेक्शन स्ट्रक्चर है ठीक है ये वाला पोर्शन और उसके बाद जो है आप लोग इसकी टाइप्स देखेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर की कौन कौन सी टाइप्स हैं उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप लोगों का टॉपिक कौन सा था इफ स्टेटमेंट का ठीक है इफ़ स्टेटमेंट और उसका सेंटेक्स फिर उसका फ्लो चार्ट और फिर हम लोगों ने एक प्रोग्राम देखा है अलेवन पॉइंट थ्री अलेवन पॉइंट वन और अलेवन पॉइंट टू भी करना है उसके बाद एक टॉपिक और है जो कि अभी हम लोगों ने कवर करना है वो कौन सा है लिमिटेशन क्या हैं सिंपल इफ़ की हम लोगों को एल्स पोर्शन इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है क्योंकि जो इफ़ स्टेटमेंट है वो सिंपली कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगी ठीक है और अगर कंडीशन ट्रू होगी लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो कोई काम भी नहीं करेगी तो हमें अगर हम लोग चाह रहे हैं कि ट्रू कंडीशन के बेसिस पर कोई काम करे तो फॉल्स की बेसिस पर भी कोई काम उसे करना चाहिए ठीक है तो लिमिटेशन वाला पेज आप लोग ओपन कर लें इसमें क्या है जी इफ स्टेटमेंट इज अ सिंपलेस्ट सेलेक्शन स्ट्रक्चर बट इट इज़ वेरी लिमिटेड इन इट्स यूज द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एक्टिड इफ द कंडीशन इज़ ट्रू बट इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स दैन नथिंग हैपन्स अ यूजर मे वॉन्ट टू अगर मतलब यूजर ये काम भी करवाना चाह रहे हैं अगर कंडीशन ट्रू है तो काम करे कोई अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो इसकी एग्जाम्पल दी हुई है तो फिर इसके लिए बेसिकली वो आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि अगर जो सिंपल इफ़ है वो सफिशेंट uh, नहीं है एल्स पोर्शन की भी ज़रूरत होती है ठीक है तो ये टॉपिक्स आज हम लोगों ने कवर किए हैं आपके लेक्चर में मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ पेज टू नाइन्टी टू से शुरू करेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर इफ़ स्टेटमेंट पेज टू नाइन्टी टू पर ही उसका सेंटेक्स पेज टू नाइन्टी थ्री पर फ्लो चार्ट हैं इफ का इफ का फ्लो चार्ट ठीक है और उसके बाद दोनों प्रोग्राम्स भी करने हैं वन और टू ये तो पहले ही किए हुए हैं क्लास में टू नाइन्टी फोर पर एलेवन पॉइंट थ्री प्रोग्राम है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है इसको आप लोगों ने लाजमी करना है उसके बाद पेज टू नाइन्टी फोर पर वट इज़ द लिमिटेशन ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट समटाइम्स इट दो नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा ठीक है इसको कि हमें इफ़ पोर्शन की एल्स पोर्शन की ज़रूरत क्यों होती है ठीक है तो टू नाइन्टी फोर पेज तकरीबन वहाँ तक हम लोगों ने किया है नेक्स्ट जो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट और इफ़ स्टेटमेंट विद टू अल्टरनेटिव्स इफ एल्स स्टेटमेंट ये वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे